बोलते हैं। अरे सुन अब निकल दियो, चुपे चाप निकल दियो, हट रुक जाओ, मर ना करो। चाचा जी ऐसा कायर नहीं है जो कि पीठ दिखा करके भागेंगे। अरे चले जा रे, चले जा तेरा रैया पाना घर, अरे जा चाचा जी ये ऐसे नहीं समझेगी। रुक दम फूल गले, दम फूल गलो, रुक क्या लोग खुल गए। हाँ दम फूल गलो। अच्छा रुक उधर तो ही बात कर। अल्लाह मैं कहती हूँ अभी अभी मेरे दरबार को तुम लोग खाली कर दो। अल्लाह अगर खाली नहीं किया तो जिंदा उसको कब्र में दफना दोगे। काकल करे चाचा जी, वो बोल रही है कि इसको बोलो खाली कर देने के लिए, नहीं तो उसको जिंदा कब्र में। हमरे हमरे कहा था। हाँ रुक जाइए चाचा जी, आप डराइए नहीं, रुकिए तो। अरे वो हरमजादी के कहने से क्या हम लोग भाग जाएंगे। रुकिए ना चाचा जी, एक बात जानते हैं कि हुनका वो कराएगा हमरे। चाचा जी ये बेशिया वैसे नहीं समझे। कैसे हो ये, इसको इतना मार मारना है, इतना मार मारना है कि अब की बार इसको पूरे खत्म ही कर देना। आइए श्रीमान आप हमारे छोटी सी बच्ची प्रिय सुप्रदाती हो जाए जबर। देखिए हमरे हुलका वो कर रहा है। नहीं नहीं आपको नहीं देख रहा है। मरखान काकल के हमरे मारिए। अरे मौलवी साहब पहला नंबर आपका आज लग गया है। तेरे का कर लियो पहला नंबर आपका लग गया। आज आज पहली बार मैं आपको रुक जाइए चाचा। अल्लाह आप तो जैसे कर रहे हैं ऐसे में तो हम लोगों को ही मार लग जाए। अरे हुक से मागलो रे, अरे तार ही मेरे यागिया लागे बल रे पादुआ के पाता रे जाए तारी में रे यागिया लागे बल रे हरे तो हरे ऐसे नहीं होगा। अरे तोरे दोनों भाई का कहां कुछ करो, हमरे देखिए मार रहे हैं। आपको देखते हैं अच्छा लग रहा है देखने में, इसलिए आपको खेला। फौरन तुम लोग खाली कर दो मेरी ये। अरे बेशिया तुम ये बोलो कि रुद्र सिंह को आजाद करेगा या नहीं करेगा। आजाद तो नहीं होगा, बस तुम लोग मारा जाओगे आज मेरे हाथों से। क्या हम मारा जाएंगे? हाँ चाचा जी अब ऐसे नहीं होगा। सीधा उंगली घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। जैसे कि देखो दोनों बच्चा को देख। अरे अरे को है कोड़ी रे, अरे एक तो हमारे घर में झगड़ा हो रहा है। अल्लाह है को है को है रे। अल्लाह
आप लोग शांत होकर के बैठ जाइए। चलो मेरे साथ में तुम फैसला करने के लिए तैयारी हो जाओ। चलो ठीक है, माथा दूध पिया है तो मेरे साथ में रहने उतर जाओ। जी भर के मारो। क्यों रे यार सुनने हल्लो। हाँ हटो रे बाबू साथ छोड़ते रे। हर मच्छा आधी का दादी हमरे डांट टूट गले तो टूट गले। आर ये क्या? बचना नहीं चाहिए। हाँ हाँ। चाचा जी संभालिए संभालिए। रुक हरमजादी सोचती है कि हम बहुत बलवान हो गए। अकरे मार देबे हमरे बेटा का फंसा कर रखे मार देबे अब रुक तो बचना नहीं चाहिए पूरे खत्म कर। चाचा जी अब लगता है बेशिया खत्म हो गई। अमल खान उसको चेक करो। फाड़ देगा रे फाड़ पकड़ के फाड़ेगा। चाचा जी ये हरमजादी का जीव है कि चाचा जी आराम से रहिए धड़फड़ाइए नहीं। मस्तक भी से शिवजी महाराज के सुमरा प्यारा बनाई भाई के दिन रात के जाय प्यारा बनाई भाई के हाँ याद Man.
पाक पोत नतीजा क्या हो रहा है संजय भाई। अरे अब दूसरे कोई उपाय नहीं, किसी देश को सही तो करवा दे। सही करा के इन लोगों को पहले हटाइए, उसके बाद अब हम ही को कर दो। चला से
रहे आला से। हाँ बोलिए चाचा जी। देख आप तो बेसिया पैर पाँव लेकर नहीं दियो हमरे सब का, आप जाइयो हम तीनों बाप बेटा सरसा किला, ठीक है चाचा, महाबा किला, बनारस किला चलेबो, आ तोरे हम सिखलियो हो, पढ़लियो हो, बुद्धि हो, अकल हो, कैसो के तू अपने बुद्धि से अकल से रुदला के खोल के ले। ठीक है चाचा जी, अब कोई सहारा नहीं बचा तो आखिर करना क्या, मुझे ही कुछ करना होगा, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है जाइयो बाबू। रानी उसी टाइम मैंने कह रही थी कि वहां पर तीर तलवार भला भर्ची गोली गट्टा का मार नहीं चलता है, या जो भी मार चलती है जादू की खेती होती है। इतनी भारी बेइज्जती चाचा लोगों की हुई, अगर बनारस किला, मौवी किला, सिरसा किला की सेनापति अगर सुन ले, हम लोगों को कोई जुबान उठा के बोलने के लिए नहीं देंगे। खैर कोई बात नहीं शामिलत, इंसान के सिर पर जब मुसीबत आती है तो हर काम की आभा को तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। रानी अब रही सोविया की बात और सोना रानी की जान, मैं अपनी जान को हथेली पर रखकर किसी प्रकार से देवर को जब तक छोड़ाऊंगी नहीं, नट्टीगढ़ से लौटकर वापस जाऊंगी नहीं। चलिए मैं आपको भाई से मिलाता हूँ, जहां पर मेरे देवर सारा सारा दिन बांधा रहता है, रो रो कर भाभी और भैया की याद करते रहता है। देवर को मैंने वचन देकर आई थी कि मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगी, देवर सोचते हुए कि भाभी मुझे भरोसा देकर चला गया, लेकिन उन लोग मुझे भूल गए। चलिए सभी जी हिम्मत से काम लीजिए, दरिया डगरिया समी न डगर देवराये भाभी तू समाना बनलई रानी सोनमा।
जाने, तो बोली थी कि बंसार में होंगे, लेकिन बंसार तो बिल्कुल खाली है, इसी जगह देवर बांधा हुआ रहता था। और हमें चालाक है, मैं तो इसी जगह से मुलाकात करके गई थी, लेकिन आज देवर नहीं है इस जगह। वो हरमजादी बहुत चालाक है, उन्हें पता चलने के बाद इस बंसार से दूसरे बंसार में बदल दिया। सही बात कहते हैं, हो सकता है जगह चेंज कर दिया। हरमजादी बहुत तेज पढ़ रही है क्योंकि जादू का पुस्तक उसके हाथ लगा हुआ। ऐसा कर रानी, हम दोनों पति पत्नी तरह छिप करके बैठते हैं उसकी चाल भाग देखने के लिए, किस रास्ते से निकलती है, किस जगह किस टाइम पहुंचती है। रानी हम भी दुनिया चलाते, अब देख मेरा कमाल, मैं जब तक उस हरमजादी के साथ राजनीतिक नहीं करवाएंगे अपने भाई से, तब तक मेरा भाई रुद्र सिंह नहीं छूटेगा। हाँ शामी जी, राजनीतिक फील्ड में नहीं उतरिएगा तो देवर की बांध नहीं छूटेगी, साथ साथ हम लोग के भी प्राण यहाँ चले। हमने सोचा कि अगर यूं ही छूट जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अब उसके साथ हरमजादी के साथ कुछ कारनामा करना पड़ेगा, करना पड़े, जो शस्त्र चलाना पड़े वो, उसके लिए मैं राजी हूँ। अरे छिप क्या बैठे याला बाबुआ, छिप क्या बैठे हो अब बनसार के, सभी के सभी आया था, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजा और महाराजा, बड़े मौलवी साहब भी आए थे, लेकिन सभी के सभी हार करके चला गया। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? बेशक अगर मेरे भाई साहब मोहक नशे या नरेटला तक पहुंचता तो मुझसे अवश्य मुलाकात करके वह चले जाता, और चाहते जी आते तो मुझसे मुलाकात करके वह भी आते। भाई मरघन सिंह आया, मुझसे मुलाकात नहीं किया, वो भी अच्छा करके गया। मुलाकात करने का वक्त खत्म कर दिया मैंने, तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा यारा इरादा है तुमसे शादी नहीं करेंगे, मरता हूं तब तक रुदल सिंह शादी का नाम नहीं बोल सकता। शादी नहीं करोगे तो बर्बाद कर दूंगी तुम्हें, बर्बाद होने के लिए तैयार है, देखने का लायक नहीं रहोगे, शादी से इनकार है। चाहे जो भी ताकत लगाना पड़े मैं लगा दूंगी, मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ दूंगी, चाहे तुम्हारी पास में जितना शक्ति हुआ लगा सकती है, तुम्हारे नाम और निशान मिटा दूंगी मैं, मरने के लिए तैयार, शादी से इनकार। तोरा रे का पर पड़ा बे घूर घूरा काटला तौरे जा, तोरा रे का पर सांगा बा
कहना धर्म भेलई भाभी जी के मुलाकात नहीं क्या क्या भाभी जी गेल रू दल सिंह के हाय बाय।